What's up and welcome back to my YouTube channel. So I'm super happy today क्योंकि मैं सुबह अभी बजे है 3:39 and सुबह 10 o'clock को 10:30 को मैं कॉलेज गई थी अपना रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए एंड मेरा रिजल्ट अच्छा है एंड फिर मैंने सोचा था कि मुझे सर्विस सेंटर जाना है बिकॉज मेरे फ़ोन का इशू आया कुछ तो कैमरा का तो वो ठीक करने के लिए गई एंड उन्होंने मुझे बोला कि ये फ़ोन रखना पड़ेगा एंड 1 week तक रखना पड़ेगा बिकॉज कैमरा का पार्ट चेंज करके मिलेगा एंड फिर मैंने सोचा कि रिजल्ट भी अच्छे हैं तो फ़ोन भी ले लेती हूँ 40 minutes तो मैंने फ़ोन ले लिया है एंड अभी मेरा ट्रांसफरिंग चालू है फिर से मुझे सर्विस सेंटर जाना है आई एम सुपर हैप्पी मुझे लगा कि मुझे फ़ोन मिलेगा बट आफ्टर वेटिंग फॉर लाइक 50 और मोर देन 50 days तब मिलेगा बट मेरा लक अच्छा था कि अभी अवेलेबल था तो मैंने ले लिया तो ये मेरा रिजल्ट है और मैं ये दिखा नहीं सकती बिकॉज ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर है और ये वाला सेकेंड सेमेस्टर है पहले इसमें बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं एंड ये वाला ऑफलाइन है ये रिटर्न था बट मैंने मुझे से लगता है मैंने अच्छा किया इसमें लेकिन मैंने पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा की मुझे था मैथ्स और अकाउंट्स ऑब्वियसली यार हर किसी को रहता है हाँ बट उसमें अच्छा है देखो मानना तो पड़ेगा तो लास्ट में पढ़ाई करके भी गुड मार्क्स लेकिन मैंने लास्ट में भी पढ़ाई किया था मैंने कंटिन्यू 9-10 hours कंटिन्यू बैठ के मैं स्टडी करती हूँ और सुबह 5 o'clock को उठ के रिविजन करके एग्जाम लेने जाती हूँ ये बात तो सच है मैंने भी देखा है जा रहे हैं एप्पल स्टोर में बिकॉज मेरा जो पुराना फ़ोन है वो मुझे सबमिट करना है एंड वो 1 week के बाद मिलेगा एंड घर जाके मुझे रिजल्ट भी दिखाना है मम्मी को मम्मी के भी रिएक्शन लूँगी और डॉल के भी लूँगी टच लेट्स गो 0.5 मिलियन में बहुत मोटा था ये फोन ने मुझे बहुत हेल्प भी किया है लाइक 1 year जो भी हो जाए इसका कैमरा सही नहीं था बट बहुत हेल्प हुआ ये स्कूबी अरे स्कूबी स्लो 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 ये 2 seconds में ये हालत कर दी है स्कूबी ने मेरी चश्मा दिखा चश्मा पूरा उसका सलाई वाला गया चश्मा पे दिखा निकल इट्स टाइम टू हैव समथिंग इन माय टमी एंड दिस बिकॉज मैं वेट गेन करने वाली हूँ टुमारो आई विल बी गोइंग टू द जिम आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मैं जिम जाती थी 1 साल पहले रेगुलरली बीच में 1-2 दिन गई थी 1 साल पहले जाती थी एंड अभी मैंने सोचा है कि मैं कल से जाऊंगी एंड रेगुलर रहूंगी एंड डाइट भी फॉलो करूंगी सो फाइनली इट्स द टाइम मैं मम्मी को अभी रिजल्ट दिखाऊंगी मैंने तो पहले जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था तब मैंने मम्मी को बस बोला था कि मैं पास हो चुकी हूँ सारे सब्जेक्ट में बट मेरी मम्मी ऐसी थी तूने रिजल्ट अच्छे से देखा मतलब मम्मी को भी विश्वास नहीं पता नहीं क्यों मेरे ऊपर ये एक्चुअली पेरेंट्स कलेक्ट करने वाले थे बट मैं खुद बताया नहीं रिजल्ट है करके क्या फ़ायदा पढ़ के दिमाग में तो पत्थर ही है ये ऊपर वाला फर्स्ट सेमेस्टर है जो ऑनलाइन हुआ था और नीचे वाला जो है सेकेंड सेमेस्टर जो रिटर्न हुआ तेरे जैसे रिजल्ट नहीं है मेरा मम्मी सच बताना पढ़ाई में दीदी भी कैसी थी रहने दे तो बात ही मत कर पढ़ाई एग्जाम के पहले गुड मम्मी कुछ तो मिलना चाहिए मुझे क्या चाहिए तुझे बोल कुछ तो चाहिए अभी फिलहाल मैंने सोचा नहीं है बट कुछ तो चाहिए मेरी मम्मी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मैं फेल हो गई हूँ सारे सब्जेक्ट में अरे नहीं ना अच्छे मार्क्स हैं लेकिन एक बात है मेरी मम्मी को मतलब कभी भी स्कूल में मतलब बचपन से ही कभी भी कंप्लेंट्स के लिए कभी बुलाते नहीं थे नहीं लेकिन तू लेके जाती थी मैं लेके जाती थी हाँ तो रिजल्ट तो लेके ही जाऊंगी ना नहीं नहीं रिजल्ट के लिए नहीं टीचर के कंप्लेंट क्योंकि वो टीचर मुझे प्यार ही नहीं हाँ मैं बचपन में ऐसी थी कि टीचर प्यार नहीं कर रही है मम्मी बोलो प्यार करने के लिए टीचर बोलती थी नहीं स्टूडेंट तो डर से ही पढ़ाई करते मेरी मम्मी ऐसी थी कि नहीं आप सौम्या को प्यार से बोलो वो सब करेगी सो दैट वाज इट
मैं जब घर आई तब घर में थोड़ा सा काम चालू था, बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अभी नहीं दिखाती हूँ एंड मैं रुक जाती हूँ. बट उसके बाद मेरी फैमिली का डिसाइड हुआ बाहर जाना है एंड मेरा मन नहीं था आज कहीं बाहर जाने का, सो मैं आज घर पे रुकी एंड आई वॉज वेटिंग कि वो रिटर्न आ जाए एंड फिर मैं दिखाऊँगी ये. सो पापा आते ही बहुत बहुत टायर्ड थे इसलिए मैंने पापा को नहीं लिया है वीडियो में. बट मैंने पापा को रिजल्ट दिखाया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज सेइंग कि हाँ मुझे पता है, तो रिजल्ट मुझे पता है, आई नो. एंड मम्मी को बस विश्वास नहीं था, मम्मी के रिएक्शन मैंने लिए. बट एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता है, जब मैं कुछ चीज़ गलत कर देती हूँ, कहीं पे मेरी कुछ मिस्टेक होती है, तब बहुत रिएक्शन निकल जाते हैं. और जब मैं एकदम अच्छे से रहती हूँ, अच्छा रिजल्ट लाती हूँ, अच्छा काम करती हूँ, तब कोई रिएक्शन नहीं रहता, तब कोई मेरी तारीफ नहीं करता, पता नहीं क्यों. एक चीज़ मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि मैंने मस्ती मस्ती में बोला है कि मैंने पहले दिन पढ़ाई की है, कुछ रीज़न की वजह से मैं सेकेंड सेमेस्टर पहले एग्ज़ाम के पहले थोड़े दिनों, मतलब तब मैंने स्टडी स्टार्ट किया था सेकेंड सेमेस्टर का करने के लिए. बट आप सब ये नहीं करना बिकॉज स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड रेगुलर बेसिस पे ही सब कुछ चलना चाहिए ये. एंड सो मैं भी अगली बार से ऐसे नहीं करूँगी, मैं भी रेगुलर स्टडी चालू रखूँगी मेरा, बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये बात पे बिकॉज बिल्कुल आप इन्फ्लुएंस नहीं होना. एंड दैट वाज इट, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव. मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब पर अभी एक्टिव हो चुकी हूँ एंड आई एम रियली लविंग ऐसा मुझे खुद को देखने के लिए. एंड ऑल्सो आई एम चेकिंग योर कमेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लविंग. And yeah, for now, bye!